बैंकों के बाहर खड़े होते थे हम। ये वारदात की तलाश में होते थे। 15 लाख की थी वो। हम इनको पकड़ने की तलाश में थे। तो कभी फायर या ऐसा कुछ नहीं करना, पकड़ा जाना बेहतर। मैं नफरी लगाई हुई थी मुफ्लिस बैंकिंग के बाहर। चोर जितना भी शातिर हो निशान छोड़ ही जाता है और वही गलती इसे सलाखों के पीछे ले जाती है। लाहौर के पोश इलाकों में 10 वारदातें करने वाला गैंग एक साल बाद CIA के हत्थे चढ़ गया। दोनों डाकू लग्जरी गाड़ी पर शहर में घूमते और बैंक से भारी रकम निकलवाने वालों को निशाना बनाते। मूवीज वगैरह देख के उससे थोड़ा सा आइडिया मिला। बैंक के बाहर खड़े होते थे और जो कोई पैसे लेके निकलता था उसे छीनते थे। छोड़ने वाले तो ये भी अब गाड़ी सेल कर रहे थे, तो ये भी सोच रहे थे कि मैं वापसी जा रहा हूँ दुबई। तो मैं भी कोई अपना काम वाम करने लगा था। पहले मैं वैसे भी सऊदीया जा रहा था, लेकिन बस फिर हमने ये सोचा और निकले और पकड़े गए। ये मुलजिमान मास्क पहनकर ऑटोमेटिक राइफल से इस अंदाज में हमला करते कि लुटने वाले को लगता कि मौत छू कर गुजर गई। हासिल की कि पार्क व्हील और OLX से ये नंबर प्लेट्स हासिल करते थे, उनको चेक कर लेते जो सेल के लिए लगाते थे। और जब लगाने के बाद ये जिस दिन वारदात करनी होती थी टारगेट, ये उस दिन 10 से 12 दफ़ा ये चेंज करते थे नंबर प्लेट, ताकि पुलिस कैमरों में ना आ सके, सेफ सिटी कैमरों से बचा जा सके, लोकल जो कैमरा जात हैं उससे भी बचा जा सके। हमें था कि जी ये बैंक, हमें एक टारगेट मिल चुका था कि ये एक मेज़ान बैंक है और 2-3 और बैंक हैं, इनके बाहर ये आते हैं, पहले अपना टारगेट तलाश करते हैं। तो हमने अपनी नफरी लगाई हुई थी और आए हैं, तो हमें एक नंबर मशकूक गाड़ी नज़र आई, नंबर हमने उसकी इंफॉर्मेशन ली, तो वो इंफॉर्मेशन इस तरह हमें वेरीफाई हुए कि वो इधर लाहौर में मौजूद ही नहीं था। तो फिर हमने अपने प्राइवेट जो गाड़ी थी हमने वो पीछे लगाई रखी। फिर हमें डाउट था कि इनके पास बड़े वेपन हैं तो कोई ऐसे नुकसान ना हो जाए, तो हमने उस सेफ्टी को भी मद्देनज़र रखते हुए, अपनी जो मुलाजमीन हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए, हमने फिर एक मौका की तलाश में रहे हैं। नंबर प्लेट यूज़ करने के लिए एक जगह पर सुनसान गली थी, वहाँ पर इन्होंने स्टे किया, तो वहाँ पर फिर हमने अपने जो प्रोफेशनल टीम थी, मैं था लीड कर रहा था, तो हमने अलग शुक्र सिंह को पकड़ लिया। चंद रोज कबल दोनों मुलजिमान वारदात के लिए निकले और डिफेंस के करीब सुनसान गली में गाड़ी की नंबर प्लेट तब्दील करते हुए पकड़े गए। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से असलहा, नकदी और दर्जन भर जाली नंबर प्लेट्स बरामद कर ली।